प्रश्न नंबर एक, डार्क अवेंजर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। प्रश्न नंबर दो, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, शैवाल का। प्रश्न नंबर तीन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, विटामिन B12। प्रश्न नंबर चार, मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? और इस प्रश्न का उत्तर है, मस्तिष्क। प्रश्न नंबर पाँच, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर है, हिपेरिन की उपस्थिति। प्रश्न नंबर छः, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? और इस प्रश्न का उत्तर है, कन्वेक्शन द्वारा। प्रश्न नंबर सात, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर है, गेरियाट्रिक्स। प्रश्न नंबर आठ, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? और इस प्रश्न का उत्तर है, ग्लूकोज। प्रश्न नंबर नौ, HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? इस प्रश्न का उत्तर है, एड्स। और दोस्तों, प्रश्न नंबर दस, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? और इस प्रश्न का उत्तर है, पीनियल।